ओके सो नाउ अब हम चैप्टर 12 की इवेल्यूएट योर सेल्फ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इनटू एक्स एक्स इज नोन एज तो यहाँ जो एक्स है वो पावर है सो इसका आंसर क्या होगा सी पावर देन फॉर ए नॉन जीरो रैशनल नंबर ए ए अपॉन थ्री देन इसकी पावर -2 इज सो आप जानते हैं कि जब इस तरह से होती है पावर्स तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है सो सिर्फ 3 2 6 हो जाएगा और -6 सो इसका आंसर ए की पावर -6 आएगा देन थर्ड ए फोर फोर ए नॉन जीरो रैशनल नंबर ए की पावर 7 डिवाइड ए की पावर 12 इज़ इक्वल टू तो ये किसके इक्वल में होगा तो आप जानते हैं कि यहाँ डिवाइड हो रहा है और बेस सिमिलर है एंड पावर चेंज है तो यहाँ 7 -12 ए की पावर क्या हो जाएगी 7 -12 हो जाएगी देन 7 -12 का आंसर क्या आएगा -5 तो ए की पावर -5 आएगी देन फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल टू 0.25 इनमें से कौन सा नंबर 0.25 के इक्वल नहीं है सो ए इसका आंसर है बिकॉज 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 जब होगी तो ये डेसिमल क्या होगा 1 डिजिट और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज पावर -1 में है सो इसीलिए ये इसके इक्वल नहीं है बाकी यहाँ देखिए सी में जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा 1 डिजिट यहाँ 0 के बाद में तो ये 0.25 हो जाएगा और यहाँ ये -1 है इसलिए डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये 0.25 हो जाएगा और यहाँ ये 10 की स्क्वायर है तो डेसिमल क्या होगा 2 डिजिट राइट में शिफ्ट होगा सो इसका आंसर भी 0.25 ही होगा देन अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल टू -8/27 क्या कौन सा आंसर इसके इक्वल नहीं है सो आप देखिए यहाँ बी इसका आंसर है 2/3 की पावर -3 वो -8/27 नहीं आएगा बिकॉज -8 का क्यूब √2 होता है एंड 27 का 3 तो -2/3 की होल पावर 3 ये इसका आंसर हो सकता है देन माइनस अगर अंदर है और फिर 2/3 की होल पावर 3 तो ये भी इसका आंसर हो सकता है और इसी तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है तो ये भी इसका आंसर हो सकता है सो कौन सा नंबर नहीं होगा 2/3 की पावर -3 बिकॉज माइनस पावर होने से वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा तो देन आंसर ये नहीं आएगा देन सिक्स्थ द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 3 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 3 इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी सो आप जानते हैं कि यहाँ 3 की पावर्स जो है वो रिपीटेडली ऐड हो रही है तो जब इस तरह से ऐड होती है तो वहाँ पावर क्या हो जाती है उसकी पावर 1 मोर हो जाती है लाइक पावर 3 है अभी तो 3 की पावर 4 हो जाएगा आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है सो 27 को आप 3 times 8 करेंगे तो उसका आंसर 81 आता है और नाउ 3 की पावर 4 जो होती है उसका आंसर भी 81 ही आता है बिकॉज 3 1 3 3 3 9 यहाँ देखिए 3 × 3 × 3 × 3 सो 3 3 9 9 3 27 27 3 81 ही होता है सो इस तरह से ये 3 की पावर 3 इस तरह से 3 times में तो वो पावर क्या हो जाएगी 1 8 हो जाएगा उसमें और ये 3 की पावर 4 हो जाएगी देन 7 5 की पावर -3 इसको कैसे राइट करेंगे तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा सो 1/5 की पावर 3 ये इसका आंसर है देन 8th क्वेश्चन इफ 2 3x - 1 + 10 डिवाइड 7 = 7 6 देन एक्स इज इक्वल टू तो एक्स की वैल्यू क्या होगी सो अब यहाँ देखिए 2 और अगर हम x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं लाइक यहाँ आंसर वैसे 2 आ रहा है तो अगर हम 2 को पुट करते हैं तो 2 × 3 × 2 एक्स की वैल्यू 2 नाउ 3 2 ज़ा क्या होगा हम जानते हैं कि 3 2 ज़ा 6 होगा 6 - 1 5 सो 2 की पावर 5 + 10 करना है अब 2 की पावर 5 क्या होती है 32 होती है सो 32 + 10 क्या हो जाएगा 42 और फिर 42 को किससे डिवाइड करना है 7 से बिकॉज बाहर ब्रैकेट के बाहर 7 है तो आंसर क्या आएगा इसका 6 आएगा और 6 इस कंडीशन में आ रहा है जब पावर 2 है तो इसलिए इसका आंसर 2 है देन क्वेश्चन नंबर 9 द वैल्यू ऑफ 3 की पावर -1 + 4 की पावर -1 देन होल पावर -1 × 5 की पावर -1 इज इनकी वैल्यू क्या होगी
सो 3 की पावर -1 यानी 1/3 हो जाएगा, एंड ये 1/4 हो जाएगा। देन अगेन पावर -1 है, तो वो जो 1/3 है वो अगेन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन्स बाहर भी पावर -1 होने से ये पावर -+ पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। और नाउ 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सो यहाँ देखिए ये 3 की पावर -1, इसको 1/3 राइट करेंगे हम पहले। देन प्लस 4 की पावर -1, 1/4 हो जाएगा। देन की होल पावर -1 है, अभी हम इसको पहले इतना ही सोल्व कर रहे हैं। नाउ 3 और 4 का LCM 12 होता है, सो ये कैसे सोल्व होगा, 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स में, तो 4 + 3 एंड देन इसकी होल पावर -1। नाउ 4 + 3 7 हो जाएगा, तो 7/12 की पावर -1। अब पावर- में तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा, सो ये क्या हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा। अब नाउ मल्टीप्लाई आपको किससे करना था, 5 की पावर -1, तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, 1/5। नाउ 12 × 1 = 12 एंड 7 × 5 = 35, सो इसका आंसर बी है। देन 10th, द वैल्यू ऑफ द x फॉर विच, x की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पावर जो है वो सेम है, तो -4 पावर सेम है तो ये दोनों पावर्स एड हो जाएगी, तो -4 + 3x = 5 होता है। सो यहाँ देखिए -4 + 3x = 5, पावर्स को हम इक्वेशन में इस तरह से अरेंज करेंगे। नाउ 3x लेफ्ट में ही रहेगा, देन = 5, और ये -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू क्या आ रही है, 5 + 4 = 9, देन x की वैल्यू 9 और अपॉन में 3, सो 3 × 3 = 9, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। ओके, सो इस तरह से ये शार्पन योर माइंड एक्सरसाइज भी, इवेल्युएट योर 6th self एक्सरसाइज भी कम्प्लीट हो गई है।